ये चैप्टर आज हम लोग देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल को हिंदी में बोलते हैं धातु, नॉन मेटल को बोलेंगे अधातु। इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से कम 5 से 6 नंबर आपका फिक्स है। बहुत इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कैसा बनेगा, जो एक्सेप्शन होता, जो अपवाद होता, वही क्वेश्चन बनता है। जैसे आप लोग क्या बोलते हो, मेटल क्या होता है, हार्ड होता है। मेटल कैसा होता है, हार्ड कठोर। और नॉन मेटल कैसा होता है, सॉफ्ट। अब देखो यहीं पर एक सवाल क्रिएट हो गया, कौन ऐसा मेटल है जो सॉफ्ट होता है, जिसको आप चाकू से भी काट सकते हो। देखो अभी बोले मेटल हार्ड होता है और नॉन मेटल सॉफ्ट होता है, लेकिन अभी एक सवाल क्या बन गया, कौन ऐसा मेटल है जो क्या होता है, सॉफ्ट। तो बता दो कौन आंसर होगा, सोडियम। आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम Na। ये इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसको चाकू से भी काट सकते हो। क्लियर है। चलो दूसरा क्या बोलते हो आप लोग, मेटल कैसा पाया जाता है, सॉलिड। सॉलिड का मतलब ठोस। और नॉन मेटल कैसा पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी पाया जा सकता है। तो मेटल पाया जाता है सॉलिड। अब यहाँ से सवाल आएगा, कौन ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। हाँ बताओ, जो लिक्विड की तरह रहेगा, कौन ऐसा मेटल है। हम लोग बोलते हैं मेटल कैसा पाया जाता है, सॉलिड। लेकिन सवाल आएगा कौन ऐसा मेटल है जो लिक्विड पाया जाता है, बताओ बाबू। तो इसका आंसर होगा बाबू, आप लोग इंग्लिश में बोलते हो इसको मरकरी और हिंदी में बोलते हो पारा। ऐसा सिंबल क्या है, HG। HG कमरे के ताप पर भी गर्म है। तो ये जो है लिक्विड पाया जाता है। लिक्विड पाया जाता है मतलब कब लिक्विड पाया जाता है, लिक्विड तो लोहा भी पाया जाएगा 1500 डिग्री के बाद। तो ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पाया जाता है, मतलब अपना हाथ पे भी ले लो तो लिक्विड हो जाएगा। या इस रूम का टेम्परेचर अभी कितना होगा, 30 डिग्री 35 डिग्री 40 जो भी होगा, उसमें भी वो कैसा पाया जाएगा, लिक्विड। जो थर्मामीटर में रहता है ना मरकरी, वो मरकरी पारा, ये ट्यूबलेट वाला मरकरी नहीं। क्लियर बाबू। अब देखो एक सवाल आएगा, 2016 में पूछा था कौन सा मेटल लिक्विड पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, मरकरी। लेकिन मरकरी ऑप्शन में नहीं था, मरकरी ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में था, बताना बाबू क्या होगा, ऑप्शन में था ब्रोमीन, ब्रोमीन। दूसरा ऑप्शन था गैलियम, दूसरा ऑप्शन था गैलियम, तीसरा ऑप्शन था क्लोरीन, चौथा ऑप्शन था सोडियम। कौन ऐसा मेटल है जो कैसा पाया जाता है, लिक्विड। तो इसका आंसर तो मरकरी है, लेकिन मरकरी ऑप्शन में नहीं था। तो कोई और ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा गैलियम। ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है। सवाल सुनिए, कौन ऐसा मेटल है जो लिक्विड पाया जाता है, तो आंसर मरकरी भी होगा, गैलियम भी होगा, सीजियम भी होगा। और नॉन मेटल पूछ दे तो कौन आंसर, ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड पाया जाता है, इसको ब्रोमीन जल भी बोलते हो, लिक्विड पाया जाता है लेकिन ये नॉन मेटल है। अब मेरा अभी सवाल क्या था, मेटल। आ रहा बात समझ में। तो एक्सेप्शन जो होगा बाबू, वही एग्जाम में क्वेश्चन होगा। चलिए और एक बात कीजिए, तो मेटल से बिजली पास करता है, मेटल क्या है बाबू, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बिजली इससे अच्छा से पास होता है, किसे, मेटल से। और नॉन मेटल से बिजली पास नहीं होता है। अब सवाल क्या आएगा एग्जाम में, कौन ऐसा नॉन मेटल है जिससे बिजली पास करता है, कौन होगा। ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन है सिलिकॉन, फास्फोरस, ग्रेफाइट, ब्रोमीन। बताओ आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बाबू ग्रेफाइट। जो पेंसिल का लीड होता है ना बाबू, बिजली उससे पास करता है। तुमको विश्वास नहीं है तो एक साइड पेंसिल छील लो, उसका दूसरा साइड भी पेंसिल को आप शार्प कर लो, दोनों साइड,
अब बिजली का बोर्ड में खोज दो, अब इधर टच करो, अगर आपको करंट मारेगा तो आपको विश्वास हो जाएगा। लेकिन ये बाबू यहाँ पर नहीं करना, अपना घर में करना। करंट मारेगा तो समझना बिजली पास करेगा। करोगे क्या ऐसा? ऐसा नहीं करना, हाँ विश्वास रखना मेरे पे। तो क्या होगा आंसर? ग्रेफाइट। हाँ देखो बाबू सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन बाबू सेमी कंडक्टर है, इससे बिजली पास होता भी है नहीं भी होता है, आधा होता है आधा नहीं होता है। तो यदि ग्रेफाइट नहीं रहता ऑप्शन में तो सिलिकॉन कर सकते थे। सिलिकॉन से सबसे ज़्यादा फेवरेट सवाल, सेमी कंडक्टर किसका बना हुआ होता है? सिलिकॉन का। चिप किसका बना हुआ होता है? चिप किसका बना हुआ होता है? सर्किट, सर्किट सिलिकॉन का। जितना भी चिप है बाबू, जितना भी सर्किट है, टीवी बाजा मोबाइल लैपटॉप सब में जो सर्किट है किसका बना हुआ है? सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन सेमी कंडक्टर है, अर्धचालक है, उससे बिजली पास करता भी है और नहीं भी करता है, क्लियर। लेकिन ग्रेफाइट जो पेंसिल का लीड होता बाबू उससे बिजली पास करता है। ये भी बार बार सवाल आया है कि कौन ऐसा नॉन मेटल है जिससे बिजली पास होता है, तो किससे? ग्रेफाइट से। और ग्रेफाइट बाबू किससे बना हुआ है? कार्बन से। ग्रेफाइट किसका से बना हुआ है? कार्बन से। कार्बन नाम का चैप्टर हम आपको फिर से पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो मेटल नॉन मेटल में बाबू बहुत ईजी जी सवाल आएगा, देखिएगा फिर से। मेटल हम लोग बोलते हैं हार्ड होता है, लेकिन इसका अपवाद क्या है बाबू? कोई तो मेटल होगा जो सॉफ्ट होगा, तो कौन होगा? सोडियम। सोडियम ऑप्शन में ना रहे तो पोटेशियम भी कर सकते हो। दूसरा, मेटल कैसा होता बाबू? सॉलिड। सवाल क्या आएगा? कौन ऐसा मेटल है जो लिक्विड पाया जाता है, बता दो। तो पहला मरकरी, लेकिन मरकरी ऑप्शन में ना रहे तो गैलियम, गैलियम ऑप्शन में ना रहे तो सीजियम, और तीनों ऑप्शन में है, मरकरी गैलियम सीजियम, तो ऑप्शन में रहेगा ऑल ऑफ द अबव। तो मेटल सॉलिड पाया जाता है, लेकिन ये सब कैसा था? लिक्विड। और एक ऐसा नॉन मेटल है जो कैसा पाया जाता है? लिक्विड। बताओ कौन है? वो ब्रोमीन है, इकलौता ब्रोमीन है ऐसा नॉन मेटल जो कैसा पाया जाता है? लिक्विड। क्लियर है बाबू? और बाकी जितना नॉन मेटल है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। लिक्विड सिर्फ एक, कौन? ब्रोमीन। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, हम लोग बोले मेटल से बिजली पास करता है और नॉन मेटल से बिजली पास नहीं करता है, लेकिन कौन ऐसा नॉन मेटल है जिससे बिजली पास करता है? तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। और आगे देखिए, मेटल जो होता है बाबू वो उससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन नॉन मेटल तो सॉफ्ट होता है। लेकिन सवाल आएगा कौन ऐसा नॉन मेटल है जो सबसे ज़्यादा हार्ड है? ऑप्शन दे दे, ऑप्शन देंगे तो तुरंत पकड़ लोगे। डायमंड होगा। क्या होगा? डायमंड। वो भी किससे बना हुआ है? कार्बन से। कार्बन से ही ग्रेफाइट भी बना हुआ है, कार्बन से हीरा भी बना हुआ है। तो हीरा बाबू दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। सबसे हार्ड कौन है? हीरा। हीरा अगर आपको ड्रिलिंग करना, बोरिंग करना बाबू, मतलब आपको चापाकल जो है ना पानी वाला बैठाना चापाकल, तो आपका पथरीला जगह है तो लोहा से ड्रिलिंग करेंगे तो लोहा वाला टूट सकता है। तो उसका मेन जो नीब होता है किसका बना होता है? हीरा का, डायमंड का, ताकि आपका कितना हार्ड पत्थर है उसको क्या कर दे? ड्रिल कर दे। चलो और आगे बात करते हैं बाबू। अच्छा एक बात बताओ बाबू, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, मेटल रिएक्टिव मतलब जो रिएक्शन सबसे फास्ट करे, खुला में रखो तो आग लगा दे। चलो बताओ बाबू कौन ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? सोडियम। तो इसका आंसर होगा पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम। अच्छा सबसे कम रिएक्टिव मेटल, सबसे लेस, सबसे लेस रिएक्टिव वो नॉन मेटल है। सबसे लेस रिएक्टिव मेटल सोना चांदी प्लेटिनम, सबसे लेस रिएक्टिव। इसीलिए तो उसका गहना पहनते हो, उसका ज्वेलरी क्यों पहनते हो सोना चांदी प्लेटिनम का? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है,
इसीलिए उसका पहनते हो, और नहीं तो पोटेशियम का पहन के घूरते, बाहर में हवा मारता जल के मर जाते। तो पहनोगे पोटेशियम सोडियम? नहीं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम सोडियम खुला में भी रखोगे ना बाबू, तो हवा पानी लगेगा और क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। लेकिन सोना चांदी प्लेटिनम क्या है, रिएक्शन जल्दी नहीं करता है। इसका लिस्ट याद करना बाबू, तो लिस्ट हम तुम लोग को याद कराए हैं, देख लो बाबू। पहला है पोटेशियम, दूसरा सोडियम, इसको ट्रिक है बाबू, कनाका मुगल जन फ्रूटी सलाइस पचा। क्या है ट्रिक देख लो मेरा, कनाका मुगल जन फ्रूटी सलाइस पचा। एफ का मतलब आयरन है, एस एंटीन, पी बी लेड, सी से कॉपर, एच जी पारा, इसी को बोलते हैं पारा, ए जी चांदी, ए यू सोना। आप चाहते हो तो नीचे प्लेटिनम भी लिख सकते हो। सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव बाबू चांदी, सोना और प्लेटिनम। तो इसका आप ऐसे भी कर सकते हो बाबू, एक तरीका कनाका मुगल जन फ्रूटी सलाइस पचा, प सी एच ए ए पचा। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो बाबू, कहोना कार है, क्या कर सकते हो, कहोना कार है मगर अल्टो जेन फेरारी सब बेकार है। क्या करना है, कहोना कार है मगर अल्टो जेन फेरारी सब बेकार है, और यहाँ बोल देना पचा। जैसे आप लोग पढ़ा रहे पच रहा है कि नहीं, बस वही बोलना पचा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन, सबसे ऊपर में कौन है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, और सबसे लेस रिएक्टिव सोना चांदी और प्लेटिनम। तो इसमें जो भी ऑप्शन रहेगा आपको करना है उस हिसाब से। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ है आपका, इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर साल देता है क्वेश्चन। देखो बाबू, अगर बोलेगा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन इनमें से, ऑप्शन देगा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। पोटेशियम तो कहोना कार है, याद कर लेना है, सबसे ऊपर पोटेशियम आंसर। लेकिन यदि अगर पोटेशियम ना होता, सपोज करो अल्मोनियम होता, तो आंसर हो जाता सोडियम। मतलब कसम नहीं खाना है, आपका ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है। जैसे इस साल जो क्वेश्चन आया था 2018 में, आपको हम लोग पीडीएफ भेज दिए होंगे, पीडीएफ आप लोग के पास होगा, नहीं होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे अभी मैसेज करना। लो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, एक दो बार में भूल जाए तो एक दो बार और कर देना। आज लगता है हॉर्न वाला भी कसम खा लिया है, ठीक। चलो ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करना। हम 2018 का क्वेश्चन और 2017 का क्वेश्चन दोनों क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे आपको। तो उसमें देखो क्वेश्चन क्या है, इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज़्यादा ऑप्शन, ऐसे हम लोग जानते पोटेशियम, लेकिन पोटेशियम ऑप्शन में रहेगा तब तो। ऑप्शन में देखो ए जी यानी कि चांदी, ए यू यानी कि सोना, कॉपर और अल्मोनियम। अब बताओ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन, तो मेरा डालो क्या बाबू, कनाका मुगल या कहोना कार, अभी तक कोई नहीं था, मगर अल्टो, देखो अल्टो हो गया आंसर, अल्मोनियम। अगर अल्मोनियम नहीं रहता तो कॉपर। तो ये लिस्ट आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी एग्जाम में बोलता है कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, और कभी कभी एग्जाम में दे देता है कौन सबसे कम रिएक्टिव। 2016 में बाबू क्वेश्चन आया हुआ था, इनमें से सबसे कम रिएक्टिव कौन, ऑप्शन ए जिंक, आयरन, SN3 और उसके बाद कर दीजिए आप कॉपर, बताइए कौन सबसे कम रिएक्टिव। तो आपको वही सीरीज लिखना है, कनाका या कहोना कार है, अभी तो कोई नहीं था, मगर भी नहीं है,
अल्टो भी नहीं है मगर अल्टो, देखो कहो ना कार है मगर अल्टो जेन, देखो जेन है यानी ऊपर में है, ज़्यादा रिएक्टिव है, या आप ऐसे लिख लो ना कहो ना कार मगर अल्टो जेन फेरारी सब बेकार है। उसके बाद प चा कर लिए, तो देखो जिंक तो ऊपर हो गया, आयरन भी ऊपर हो गया, एसएन भी ऊपर हो गया, यानी आंसर कौन हो गया कॉपर। अब कॉपर ना रह के लीड रहता पीबी तो ये भी हो जाता, यानी कि यदि आपको रिएक्टिव सीरीज याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और ये नहीं याद है तो बहुत दिक्कत होने जा रहा है। फिर देखो एक साल इस साल एक और क्वेश्चन आया हुआ है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से है। देखोगे कि कॉपर के ऊपर में एक हम छोड़ देते हैं, वो होता है हाइड्रोजन, एक गैस है इसीलिए इसको हम जगह नहीं दिए थे, ये मेटल का लिस्ट था इसीलिए नहीं दिए थे, लेकिन ये हमेशा किसके ऊपर होगा कॉपर के ऊपर। अब देखो सवाल क्या आया था इस साल 2018 में, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड को हम लोग क्या कर रहे हैं रिएक्शन करवा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड को रिएक्शन करवा रहे हैं कोई भी मेटल से जो हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा अलग कर दे रहा, तो हाइड्रोजन गैस को अलग कौन करेगा जो हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल होगा। आप मेरा वो वीडियो देख सकते हो या फिर से हम पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन, उसमें क्या बोला है हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस कर सकता है जो हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल हो, ज़्यादा रिएक्टिव हो। और ऑप्शन में देखिए क्या था, ऑप्शन में था ए जी सिल्वर, ए यू सोना, कॉपर और यहाँ पर लिख देते हैं अल्मीनियम, कौन होगा आंसर तो हाइड्रोजन से ऊपर कौन है, तो देखिए ये सब है उसमें मेन क्या हो जाएगा अल्मीनियम। यहाँ क्या हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है चांदी नहीं। सोना या कॉपर नहीं, यानी इसका आंसर होगा अल्मीनियम। अल्मीनियम क्या मैग्नीशियम भी रहता तो वो भी आंसर होता, आयरन भी रहता तो भी आंसर होता, जस्ट मेरा हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए। क्लियर है, तो आप ये रिएक्टिव सीरीज याद है तो पाँच नंबर तो आपको सिर्फ इससे याद आएगा, तीन से चार क्वेश्चन कन्फर्म, और मेटल नॉन मेटल से तीन चार पाँच क्वेश्चन कन्फर्म। क्लियर, चलिए और ज़्यादा बात करते हैं, बताइए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल तो बता दिए हम लोग किसका नाम पोटेशियम का, उसके बाद सोडियम का। अब दूसरा सवाल सबसे लेस रिएक्टिव, तो नीचे में जो है प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। क्लियर, आप देखिए इस साल भी एक क्वेश्चन आया हुआ था और झारखंड पॉलिटेक्निक ने उसको थोड़ा सा गड़बड़ भी किया है। इस क्वेश्चन में सवाल आया था कि जो रिएक्टिव रहेगा वो तो भाई बॉडीगार्ड के साथ घूरेगा, वो कभी भी अकेले नहीं घूरेगा, तो धरती के अंदर से जो भी रिएक्टिव मेटल होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है अयस्क के रूप में, किसके फॉर्म में अयस्क के रूप में, छोड़ दो किसके फॉर्म में पाया जाएगा अयस्क के रूप में, जो भी रिएक्टिव मेटल है मतलब वो कार्बोनेट के साथ सल्फोट के साथ ऑक्साइड के साथ चिपका हुआ रहेगा। लेकिन जो कम रिएक्टिव है जो लेस रिएक्टिव है जैसे सोना चांदी प्लेटिनम ये सब कैसा पाया जाएगा इंडिपेंडेंट, धरती के अंदर से निकालो और सोना चांदी आप यूज कर सकते हैं। इस साल सवाल आया था कौन ऐसा मेटल है जो इंडिपेंडेंट पाया जाता है धरती के अंदर से मुक्त अवस्था में, तो कौन होगा बाबू आंसर कौन होगा, सोना चांदी प्लेटिनम तीनों हो सकता है, ये तीनों लेस रिएक्टिव है, लेकिन ऑप्शन में देखो क्या था बाबू प्लेटिनम चांदी सोना, और अगर रहे ऑल ऑफ द एबो तो आंसर क्या होगा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबो, क्योंकि ये तीनों है लेस रिएक्टिव, तीनों ओर विदाउट इंडिपेंडेंट पाया जाएगा। लेकिन यदि क्वेश्चन दे दे ऑप्शन दे दे, इस साल का जो देखो कितना कन्फ्यूजन ऑप्शन था प्लेटिनम चांदी कॉपर और अल्मीनियम, अब बताओ ये चारों में से कौन, ये चारों में लेस रिएक्टिव कौन, तो अब बाबू सबसे लेस तो प्लेटिनम है ना, तो आपको आंसर होना चाहिए प्लेटिनम, सोना रहता तो आंसर सोना प्लेटिनम दोनों हो सकता था। लेकिन झारखंड पॉलिटेक्निक 2018 में थोड़ा विवाद है वो किसको सही कर दिया है चांदी को,
तो थोड़ा सा विवाद का है ये, चांदी भी होगा आंसर, लेकिन चांदी से अच्छा तो प्लेटिनम है। आपको पता है सोना से ज़्यादा महंगा प्लेटिनम होता है, क्यों? क्योंकि सबसे लेस रिएक्टिव है। लेकिन सोना हम लोग ज़्यादा खरीदते हैं, प्लेटिनम हम लोग नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते हैं? महंगा एक तो ज़्यादा है, दूसरा उसका कलर चांदी के जैसा है, तो हम लोग हवा बनाना चाहते हैं, चांदी खरीदते हैं, उसमें सोना का पानी चला लेते हैं ताकि फील हो क्या है सोना है। और सोना खरीदेंगे सोना से भी महंगा और उसका कलर रहेगा चांदी जैसा, तो फिर खरीदेंगे? मतलब उतना महंगा पहनेंगे बोलेगा चांदी है क्या, तो बेइज्जती ना हो जाएगा? उतना महंगा खरीदेंगे चांदी बोल देगा, तो इसीलिए हम लोग प्लेटिनम ना खरीद के क्या चीज़ खरीद लेते हैं? सोना। तो सोना से भी महंगा है प्लेटिनम, क्लियर? क्यों? सबसे लेस रिएक्टिव है। तो झारखंड पॉलिटेक्निक इस वर्ष सच पूछो तो क्या किया है? गलत कर दिया है। अगर प्लेटिनम चांदी रहता बोथ, तो बोथ आंसर होगा, दोनों सही है, लेकिन सिर्फ चांदी तो गड़बड़ है, ये आंसर इसका क्या होगा? प्लेटिनम। क्लियर है? तो सवाल समझ में आ रहा है? चलिए और बताइए, तो सबसे भारी मेटल कौन, सबसे हैवी मेटल, सबसे हैवी मेटल कौन? ऑप्शन दे देते हैं, जिंक, आयरन, ऑस्मियम, गैलियम। सबसे भारी मेटल, आप लोग तुक्का मार के भी सही कर सकते हो। कौन होगा बाबू? ऑस्मियम होगा। सबसे हैवी मेटल कौन होता है? ऑस्मियम सबसे हैवी मेटल। ये मेटल है बाबू, इसका सिंबल OS है, और सबसे भारी मेटल यही है, सबसे हैवी मेटल। मेटल है, बहुत हम लोग कम यूज करते हैं, लेकिन सबसे भारी डेंसिटी सबसे ज़्यादा इसी का होता है। किसका? ऑस्मियम। अब सबसे भारी मतलब तुम लोग क्या समझते हो? मतलब 1 किलो अल्मोनियम लिए और 2 किलो लोहा लिए तो लोहे भारी हो गया, या 1 किलो अल्मोनियम लिए आधा किलो लोहा तो अल्मोनियम भारी हो गया, वैसा नहीं बोल रहे हैं। डेंसिटी किसका ज़्यादा, मतलब कौन सबसे ज़्यादा हैवी लगता है, तो क्या होगा? ऑस्मियम हो जाएगा बाबू। अब एक क्वेश्चन और बताना, तो सबसे अच्छा मेटल कौन, सबसे अच्छा मेटल, सबसे अच्छा मेटल किसको बोलेगा बाबू? मेटल किसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करे, दे दे। तो जिसके बाहर में 1 रुपया, हम स्टोरी बताए थे कि जिसके पास में 1 रुपया रहेगा वो आसानी से देगा, कि 2 रुपया वाला देगा, कि 3 रुपया वाला देगा? 1 रुपया खुशी खुशी देगा, जानता है कि हमको कोई 7 रुपये देने नहीं जा रहा है। तो यानी जो भी आंसर होगा, हाय लीना करे रब से फरियाद, ये हम लोग का पहला ग्रुप था। सबके बाहर में कितना था वैलेंसी? एक। सबके बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो हाइड्रोजन पे थोड़ा विवाद है बाबू, ये देता भी है कभी कभी, कभी कभी ले भी लेता है, तो ये तो अच्छा मेटल नहीं कहलाएगा। बताओ इनमें से सबसे अच्छा मेटल कौन? इनमें से सबसे अच्छा मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, कौन सबसे अच्छा मेटल? कौन होगा सबसे अच्छा मेटल? तो देखो बाबू, या तो सबसे ऊपर वाला होगा या तो सबसे नीचे वाला होगा, यही होगा आंसर। तो देखो बाबू, फ्रेंसियम जो होता है बाबू वो रेडियो एक्टिव होता है, और रेडियो एक्टिव का प्रॉपर्टी हर पल क्या होते रहता है, चेंज करते रहता है, इसलिए इसको हम लोग नहीं बोल लेंगे, इसको पढ़ाई नहीं करेंगे, फ्रेंसियम नहीं होगा। चलिए अब इसमें से जल्दी से बताइए कौन होगा। लिथियम के बाहर भी 1 इलेक्ट्रॉन और सीजियम के बाहर भी 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों में आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? कौन देगा जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर होगा बाबू सीजियम। क्यों होगा सीजियम? अरे इसके बाहर भी 1 रुपया, लेकिन ये साइज बहुत छोटा है। इसके बाहर भी 1 रुपया, लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा है। तो इसके पास 101 रुपया है, इसके पास 1 करोड़ 1 रुपया है, तो 1 रुपया आसानी से दे देगा। और ये 101 है, ये भी 1 रुपया देगा, लेकिन इसके तुलना में थोड़ा सा स्लो। तो सबसे अच्छा मेटल कौन? सीजियम। हम पीरियोडिक टेबल अच्छा से और गहराई पढ़ाएंगे, उसमें और इसका गहराई बताएंगे कि इसका क्या रीज़न है कि सीजियम सबसे अच्छा मेटल। तो क्वेश्चन क्या बनेगा बाबू? सबसे अच्छा मेटल कौन? तो सीजियम। अच्छा बताना तो बाबू,
सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, और यहाँ एक और दे देते हैं कुछ भी, सिलिकॉन। ये चारों में सबसे अच्छा मेटल कौन? सबसे अच्छा एयर। ये चारों में सबसे अच्छा मेटल कौन? इसके बाहर में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें चार, तो बताओ सबसे अच्छा मेटल कौन? सोडियम। क्योंकि एक रुपया है इसके पास, ये आराम से दे देगा, दो रुपया उसके बाद देगा, तीन रुपया बेचारा फेर में रहेगा कि इसको पाँच रुपया कोई दे दे। रूल सिखाया था ना, आठ में सबका पेट भरता है, के रुपया में? आठ रुपया में। तो इसके पास एक रुपया है तो सात रुपया इसको कोई देगा नहीं, ये एक रुपया क्या करेगा? दे देगा। तो सबसे अच्छा मेटल कौन? सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद अल्मुनियम, और सबसे लास्ट में कौन? सिलिकॉन। क्लियर है बाबू? तो सबसे अच्छा मेटल, सबसे अच्छा नॉन मेटल पूछे और बता दोगे। अब देखो बाबू, पिछले साल क्या क्वेश्चन आया है, इसी साल आया 2018 में, क्या आया सुनो। अच्छा एक बात बताओ तो, सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन? जो ग्रुप नंबर 17 होगा, फ्यूचर कल ब्राइट, यही है बाबू ग्रुप नंबर 17। सबके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? सात। सबके बाहर में सात, तो इन लोग क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जल्दी बताओ सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन लेने का एक्सपर्ट कौन? फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। अच्छा ये सबसे इन लोग एक्सपर्ट है। इसके बाद एक्सपर्ट कौन होगा? ऑक्सीजन वाला ग्रुप। पीरियोडिक टेबल का वीडियो देख लेना, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ग्रुप नंबर कितना? 16। ओ सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, पोलार्ड, है ना, या ओल्ड स्टाइल से टीपीओ। अब देखो सवाल जानता क्या आएगा बाबू, क्या 2018 में आया था, देखो कितना हाई लेवल का सवाल आया था। बोला था कौन सबसे अच्छा सेकेंड नंबर का नॉन मेटल है, सेकेंड नंबर का सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेकेंड नंबर में कौन? सबसे अच्छा सेकेंड नंबर में कौन? तो नंबर वन पे इन लोग, और नंबर टू पे कौन लोग? इन लोग। तो आंसर में ऑप्शन में क्या था? ऑक्सीजन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अरे फर्स्ट नंबर में इन लोग और सेकेंड नंबर में इन लोग, यानी कौन? ऑक्सीजन ऑप्शन में। ये इस साल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो और अच्छा क्लियर होगा। तो क्या क्या हम लोग आज बात किए, सबसे अच्छा मेटल कौन? सीजियम। सबसे अच्छा मेटल कौन? सीजियम। सबसे हैवी मेटल कौन? ऑस्मियम। कौन मेटल है जो लिक्विड में पाया जाता है? मरकरी, हिंदी में पारा, मरकरी एक गैलियम हो जाएगा। अच्छा नॉन मेटल में लिक्विड ब्रोमीन। चलो बताना बाबू कौन ऐसा मेटल जो चाकू से भी काट सकते हैं? सोडियम। सोडियम ऑप्शन में ना रहा तो पोटेशियम। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, नहीं रहा तो सोडियम। और सबसे लेस रिएक्टिव सोना, चांदी, प्लेटिनम। क्लियर है बाबू? तो ये था आपका मेटल और नॉन मेटल से सवाल मेनली। उसके बाद जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो और ज़्यादा डेप्थ हम कराएंगे।